हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। होप तो आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पहले मैं आपको कॉस्ट सेट का फॉर्मेट फिर से एक बार रिकॉल करवाने वाला हूं, बिकॉज आने वाले क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट सेट की फॉर्मेट से डिस्कस होगी। तो ये कॉस्ट सेट का फॉर्मेट मैंने बहुत शॉर्ट में बनाया है, जिससे आपको चीज़ें बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आए। देखो, सबसे पहले फैक्ट्री में होता क्या है, रॉ मटेरियल आते हैं, लेबर्स आता है, एंड वो क्या करते हैं, हमारा कॉस्ट स्टेज हो गया, उन्होंने क्या किया, प्राइमरी प्रोडक्शन किया रॉ मटेरियल। इसके ऊपर बहुत सारे अदर, यहाँ पे हमारे पास आ चुका है प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को ऐड करते हुए हमारे पास क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट हो चुका है। प्राइम कॉस्ट में हमने ऐड किया फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये जो हमारे पास आया उसको बोलते हैं ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट में हमने ओपनिंग डब्ल्यू आई पी को प्लस किया, माइनस कर दिया क्लोजिंग। अच्छा, यहाँ पे देखो डब्ल्यू आई पी क्यों आता है, देखो डब्ल्यू आई पी तो आपके फैक्ट्री के अंदर ही होगा ना। हो सकता है आपका रॉ मटेरियल 2 से 3 प्रोसेस में जाके बनता हो, पहले प्रोसेस से वो बन चुका है, लेकिन अभी वो हुआ क्या कि मार्च एंडिंग क्लोजिंग आ चुका है। क्लोजिंग आ चुका है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपके पास पिछले साल का ओपनिंग कितना था और इस साल आपके पास क्लोजिंग कितना बच चुका है। डब्ल्यू आई पी में वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी काम चल रहा है, यानी जिसपे अभी 100% डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों नहीं हुए, कोई ना कोई तो बाकी है, ठीक है। इसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन अभी 100% नहीं है। तो हम जब हम इसको एडजस्ट करते हैं तो इसको हम बोलते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम फिर एडमिन ओवरहेड को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ओपनिंग फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं और माइनस करते हैं क्लोजिंग फिनिश गुड्स, तो हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में जब हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है सेल्स वैल्यू हमारी। तो ये फॉर्मेट है, जस्ट आपको एक बार रीड करनी है और जिस तरीके से मैंने आपको इंटरप्रिटेट करवाया है आप उस तरीके से आपको रिकॉल करो, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो ये सारी चीज़ें, अब हम आज के क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा टू शो मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड प्रॉफिट। देखो, आपको सारी चीजें आपको निकालती है एंड गिवन डाटा। ये क्वेश्चन एग्जाम में 8 to 10 मार्क्स तक आ सकता है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में आप डेट क्या देखा है, मतलब यानी ये हमारे सारे ओपनिंग वैल्यू है और ये सारे हमारे पास क्या है, क्लोजिंग वैल्यू है, ठीक। यहाँ पे कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं कि कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं या फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रॉ मटेरियल की ओपनिंग स्टॉक दे रखी है और रॉ मटेरियल की क्लोजिंग स्टॉक दे रखी है। डब्ल्यू आई पी की ओपनिंग दे रखी है, डब्ल्यू आई पी की क्लोजिंग दे रखी है। फिनिश गुड्स की ओपनिंग दे रखी है, फिनिश गुड्स की क्लोजिंग दे रखी है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर 9 लाख का दे रखा है। वेजेज पेड दे रखा है। फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स दे रखा है। अब जो मैंने आपको फॉर्मेट अभी जस्ट पहले बताया था, उस फॉर्मेट को आप याद करो। मैंने वहाँ पे क्या बताया था, जब हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालते हैं, यहाँ पे जब हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकालते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो सेम इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 60,000, यहाँ पे हम क्या डाल देंगे, 60,000 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक हो गया, प्लस हमारे पास परचेज कितना है, परचेज हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर कितना है, 9 लाख। 9 लाख का हम परचेज हम इसमें ऐड कर देंगे एंड माइनस कर देंगे हम इसकी क्लोजिंग। रॉ मटेरियल की क्लोजिंग कितनी है, 50,000, इसमें से हम 50,000 हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल आ गया। अब हम डायरेक्ट लेबर की बात करें, अगर हम डायरेक्ट लेबर की बात करें तो यहाँ वेजेस पेड दे रखा है 5 लाख। अब आप यहाँ देख सकते हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर में आपको 5 लाख को पुट कर देना है, ठीक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कुछ नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें पास क्या चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री कॉस्ट कुछ दे रखा है, फिनिश गुड दे रखा है, डब्ल्यू आई पी दे रखा है, वेजेज पेड, फैक्ट्री ओवरहेड 2 लाख दे रखा है। फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास 2 लाख है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 लाख रुपीज, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। देन हम इसमें हम क्या करेंगे,
अब नेक्स्ट हमारे पास देखो यहाँ पे WIP हमारे पास दे रखा है ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। तो यहाँ पे ओपनिंग WIP कितना है 24,000 और क्लोजिंग WIP हमारे पास कितना है 30,000। ये हमारे पास क्लोजिंग WIP कितना है 30,000। अब हमारे पास क्या आ गया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हम ऐड करेंगे। 50,000 का हमारा एडमिन का ओवरहेड, यहाँ पे हम 50,000 को आप यहाँ पे मेंशन कर दो। ये आपके पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो ओपनिंग फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे रखा है। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स कितना है 1,20,000 एंड क्लोजिंग 1,10,000। ओपनिंग कितना है 1,20,000 एंड क्लोजिंग कितना है 1,10,000। ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 30,000। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 30,000 है, आप इसको ऐड कर दिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 30,000 हो गया, ठीक है। एंड इसमें अब क्या आएगा, आपको सेल्स वैल्यू इन्होंने दे रखा है, जस्ट वेट, सेल्स वैल्यू है 20 लाख। अब आपने यहाँ पे आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाए, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा जब ये सारे कैलकुलेशन करके आप आओगे। मैं यहाँ से डायरेक्ट उठा लेता हूँ जिससे आपको मैं चीजें आपको समझा सकूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने, 16,94,000 फिलहाल, तो मैं ये उठा लिया, 16,94,000 आपका ये आ चुका है। अब देखो बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट होगा, बिकॉज आप सेल्स कितना में करते हो, 20 लाख में, 20 लाख में आप सेल करते हो और 16,94,000 आपके कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो 20 लाख माइनस 16,94,000 इक्वल टू कितना आ गया, 3,06,000 का आपके पास प्रॉफिट आ गया, ठीक। इस तरीके से करके आप क्वेश्चन को कर सकते हो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मैं एक बार कैलकुलेशन कर देता हूँ, एक मिनट टाइम लगेगा मैक्सिमम। 60,000 प्लस 9 लाख माइनस 50,000 ये आ गया 9,10,000 प्लस 5 लाख, 9,10,000 प्लस 5 लाख इक्वल टू कितना हो गया, 14,10,000 प्लस 2 लाख इक्वल टू 16,10,000 प्लस 24,000 माइनस 30,000 16,04,000 प्लस 50,000 16,54,000 प्लस 1,20,000 माइनस 1,10,000 16,64,000 प्लस 30,000 16,94,000 और आपकी इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो चुका है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व जो किया क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर अब हम 12 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा इससे बड़ा है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा।